સેલવાસમાં વન વિભાગ દ્વારા વાસુણા લાયન સફારીના વન સંરક્ષક દિનેશ કન્નન તથા અશ્વિન પરિહારની અધ્યક્ષતામાં વન્યજીવ સપ્તાહનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વન વિભાગ તથા ટુરિઝમ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્તવ્ય સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ, વિદ્યાર્થીઓ વગેરેએ લાયન સફારીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં જીવ પ્રેમીઓએ વન્ય પ્રાણીઓની રક્ષા કરવાના શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. આ સપ્તાહ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન કરાયું છે. उस वाइल्ड लाइफ वीक में आज से हम लोग लायन सफारी और डियर पार्क को आम आदमी के लिए खुला रखेंगे. उसमें 2 तारीख से 8 तारीख को सभी के लिए फ्री में है. 2 तारीख से 8 तारीख का जितना वाइल्ड लाइफ वीक है उसका फ्री में है. उसके दौरान ये दो से आठ तक हमने बच्चों को वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन रखा है. आज हम लोग ने उनको खाली इंट्रोडक्शन के लिए एक प्रोग्राम रखा था इनॉग्रेशन के टाइम पर, लायन सफारी के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, कैसे वाइल्ड लाइफ क्या है, किस लिए ज़रूरत है, उस तरह का प्रोग्राम रखा है. बाकी 2 से 8 तक हम लोग ने ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, अलग अलग कंपटीशन सभी छात्र आसपास के स्कूल के छात्रों के लिए रखा है. उसके दौरान हम वाइल्ड लाइफ का उसके दौरान हम लोग संदेश देंगे कि हमें वाइल्ड लाइफ बचाना है. अभी 2 लायनेस है, दोनों फीमेल है, एक गिरजा है और एक हमारे पहले से सोनल जो है वही, दो लायनेस.